कटु सच्चाई है कि भारतीय जुडिशरी में करीबन 200-400 ऐसे परिवार हैं जिनका कब्जा है, उन्हीं के सर्कल के लोग आते हैं, उनके घर के लोग आते हैं और ये फेयर सिलेक्शन नहीं होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास भी और मैंने खुद भी देखता हुआ है। तो योग्यता को तो आने ही नहीं दिया जा रहा है, आगे केवल परिवारवाद हावी है पूरे जुडिशरी पर। तो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जायज पर ज़्यादातर जजेस हैं, हालांकि ये बहुत भयानक सच्चाई है, पर ज़्यादातर मनुवादी प्रवृत्ति के लोग या मनुवादी ही डाइस पे सेलेक्ट हो पा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ना जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। जजेस हैं, ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग की तो कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, तो हम उनसे किसी तरह की वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये मनुवादी सोच के हैं और डाइस में अगर मनुवादी सोच के व्यक्ति बैठ जाते हैं तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि डाइस की या जुडिशरी की या जो भारतीय न्यायालय है उनकी क्या स्थिति होने वाली है या रहने वाली है। यहाँ पर एक बहुत कटु सच्चाई है कि जजमेंट फिक्सिंग होती है और ये एक ऐसा फैक्ट है, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि कई बार देखी गई है या जो अनुभव किया गया है कि जो डिलीवर जजमेंट कुछ और किया जाता है और जब वो पेपर ऑन पेपर्स में आता है तो वो कुछ और होता है। चंद्रशेखर रावण की रिहाई के लिए लगभग एक साल से लगभग बहुत ज़्यादा लगभग एक साल होने वाला है और 9 मई के आसपास अरेस्ट हुए थे और अभी तक रिहाई नहीं हो पा रही, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के इतना हम जोर देते हैं और साथ में हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि हम मानव मूल्यों को भी साथ में लेकर चल सकें। तो मुझे तो यहाँ ऐसा कोई भी कारण नहीं लगता है कि इतने सारे दंगे फसाद जो यहाँ हुए हैं भारतीय धरती भारतीय भूमि पर हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण के साथ ही क्यों दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों अभी तक रिहाई नहीं हुई? कारण कारण क्योंकि वो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं और बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेल के सलाखों के अंदर रखा जा रहा है। देखा जाए तो रासुका एक तरह से मनुवादियों की डिफेंस लाइन है, जिस पर भी उनको मतलब उनकी आवाज़ को दबाना है उसको पर रासुका लगा दिया और रासुका लगने के बाद उसके इतने टाइट प्रोविजंस होते हैं कि आप इसको लगातार दबाते पर दबाते जाते हैं। कोई भी कानून गलत नहीं होता है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से की जा सकती है, पॉजिटिव भी की जा सकती है, नेगेटिव भी की जा सकती है। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण के मामले में रासुका का नेगेटिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है।